रुक जाइए, अब पकारो रहा हूं मैं फिर से। हे बालाजी, आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पर भी है संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघविंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था, जो इन्होंने बताया है वो सच है। और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे, जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर, उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है। कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें।
और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी, सामूहिक अर्जी हम लगा देते, कहो हे बागेश्वर।